कि मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। तो प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। माँ की है लाडली समझ जाऊंगा। माँ की है लाडली बापू का प्यार है। माँ की है लाडली बापू का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता के खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता के खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। ये मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी मेरी जान है। बंद मुलाजा कीजिएगा। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं कि अल्लाह ने मुझे बेटी दे दिया यार मेरा खर्चा बढ़ गया मुझ पर बोझ बढ़ गया। अरे नादान बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी। क्योंकि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी। घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। बोझ समझो ना तुम
बेटियों को कभी बेटियां ही घराने की है जिंदगी, से ना उसकी शिकायत करो, घर की रौनक है और शान है, घर की रौनक है और शान है, बेटी हर दिल का अरमान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। बेटा करते हैं, बेटों के लिए मन्नतें मांगते हैं। चार मिसरे नजर कर रहा हूं के बड़े हसीन अंदाज के कि मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। शुक्रिया अपनी बहनों का सदका भाई ने दिया। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, और बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, सिर्फ अल्लाह से शुक्रिया बेटा नहीं मांगा करते। नेक हो, साले हो, पाबंदे शरीयत भी हो, एंड मुमकिन है कि जन्नत की वो कुंजी हो जाए। लोग बेटों के लिए मन्नतें करते हैं, मगर मेरे सरकार दुआ करते थे बेटी हो जाए, मेरे सरकार दुआ करते थे बेटी हो जाए। क्यों? चार मिसरे नजर कर रहा हूं बड़े हसीन अंदाज से। आजकल भाई, आजकल डिमांडें चलती हैं भाई, मुझे कारें चाहिए, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर। अरे नादान, मैंने पहले ही कहा कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। देखे भाइयों के लिए क्या इंपोर्टेंस रखती है बहने, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। बेटी माँ बाप के, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, क्योंकि आज आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, बहन जिंदगी, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत है, सम्मान है, प्यार से ये नबी ने कहा। नजर कर रहा हूं, देखे इस बंद में ये नाचिस बाबू गुलाम साबरी तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए दुआएं कर रहा है। कौन सी दुआएं कर रहा है? मेरे मौला मेरी, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे।
खुश रहे वो सदा। क्योंकि आजकल भाई कुछ नौजवान ऐसे हैं जो शादी तो बड़े शौक और शौक से कर लेते हैं, बड़ी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, मगर लंबे समय तक एक समय तक उनका रिश्ता कायम नहीं रहता। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। देखो तुम तलाक तो बड़े आराम से दे रहे हो, मगर जिसको तलाक पड़ रही है उसके दिल से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। एक बीवी अपने शौहर से कह रही है कि ऐ सुन, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ, क्योंकि जबा तलाक की कैंची से काटने वालों तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं, और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा। तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा चीज आप YouTube पर सुन सकते हैं, Instagram पर, Facebook पर, आप बाबू गुलाम साबरी सर्च करें, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ला 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 वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।